हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वेदिक गुरुज में। आज वेदिक गुरुज क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए डिटरमिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करेंगे, जो कि कोफैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को पूरा देखना है और लाइक जरूर करना है। अगर आपने अभी तक वेदिक गुरुज के चैनल को यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए कर रहे हैं, लिखा है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। ये थर्ड कॉलम की बात कर रहा है, मतलब हमने इस डिटरमिनेंट को थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करके इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए एक्सपेंड करना आपको आता है, हमने आपको साइन भी बताए हुए हैं कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी जिनका सुफिक्स का सम इवन नंबर है उनका साइन पॉजिटिव, जिनका सुफिक्स का सम ऑड नंबर है उनका साइन नेगेटिव। तो देखिए हमने आपको साइन बताए हुए हैं, जिन एलिमेंट्स के सुफिक्स का सम इवन नंबर होता है उनका साइन पॉजिटिव, जिनका ऑड होता है उनका नेगेटिव। ये एलिमेंट है ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, 1 प्लस 3 4 पॉजिटिव। ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3, 2 प्लस 3 5 नेगेटिव। ये है थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 3 6 पॉजिटिव। तो ठीक है, इवन नंबर के हिसाब से पॉजिटिव साइन आ गया। थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले यहां से एक्सपेंड होगा। क्या करेंगे, पहले एलिमेंट लेते हैं, इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो छोड़ देंगे। क्या क्या बचेगा, पहले तो ये जो एलिमेंट है हमने ये एज इट इज मल्टीप्लाई में लिखना है, फिर ब्रैकेट में इसको इससे मल्टीप्लाई जेड माइनस अपनी तरफ से, और वन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई। ठीक है, अब इसकी बारी आती है, तो इसके लिए क्या करना, इसके सामने वाला कॉलम और फिर से देखिए मैं कर रहा हूं इसके सामने वाली रो ये छोड़ देंगे, और एलिमेंट कौन सा लिखना आपकी बार, एलिमेंट ये वाला एलिमेंट लिखना, साइन नेगेटिव है इसका, तो माइनस जेड एक्स और ब्रैकेट में वन को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे जेड माइनस अपनी तरफ से, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स। ठीक है, फिर प्लस, अब तीसरे एलिमेंट की बात आएगी एक्स वाई की, क्योंकि थर्ड कॉलम के ही एलिमेंट लेने हैं सारे, तो यही कॉलम छोड़ेंगे इसके सामने वाला और ये रो आपकी बार थर्ड रो छूटेगी, तो एक्स वाई तो बाहर लिखा जाएगा ब्रैकेट में, और अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, तो वन को वाई से करेंगे वाई माइनस अपनी तरफ से, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स। ये एलिमेंट आ गया, एक्सपेंड कर लिया हमने, अब इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करके इसको आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए काम आप क्या करते हैं, हम ये सारी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, वाई जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस वाई से माइनस वाई स्क्वायर जेड, इसी तरह इनको भी माइनस जेड एक्स को जेड से करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा जेड एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने कुछ एलिमेंट्स इसमें से कॉमन लेने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये दो टर्म्स एक्स स्क्वायर की हैं, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहां से बच रहा है जेड और यहां से बच रहा है वाई, तो यानी जेड माइनस वाई बच गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली हमने दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब बात करेंगे एक्स वाली टर्म्स की, प्लस मैं लगा लेता हूं, तो एक्स वाली टर्म्स देखिए कौन कौन सी है मेरे पास, एक तो ये है माइनस जेड स्क्वायर एक्स और एक ये है एक्स वाई स्क्वायर, तो इन दोनों में से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं और क्या बचेगा, प्लस वाली टर्म पहले लिख रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो दो टर्म्स बच गई वो ये बच गई हैं YZ, तो इन दोनों में से YZ कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस का YZ जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहां से बचा Z माइनस यहां से बचा Y। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर, ये मैं Z माइनस वाई एज इट इज लिख लेता हूं, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं मैं बाहर माइनस एक्स, तो ये भी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि सारे जेड माइनस वाई है मेरे पास, इसको सेम लिख लेते हैं। ठीक है, ये फिर से लिख रहे हैं स्टेप, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस एक्स, इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बनेगा, जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। अब देखिए तीनों टर्म्स में ये जेड माइनस वाई, ये जेड माइनस वाई, ये जेड माइनस वाई, तीनों में कॉमन आ गया, तो तीनों में से जेड माइनस वाई कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई प्लस, और यहां से बचेगा वाई जेड, ये बच गई। अब इन दोनों को, तीनों टर्म्स के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, जेड माइनस वाई बाहर लिखा रहने देते हैं इनटू ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले, ये क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, अब देखिए हमने इनमें से क्या करना है,
जिन टर्म्स में जेड है, ये एक्स जेड और ये वाई जेड, इन दोनों में से जेड कॉमन ले लेते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं इकट्ठा, जेड माइनस वाई एक स्टेप लिख लेते हैं फालतू, इन दोनों को इकट्ठा फर्स्ट और थर्ड को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख लिया मैंने, और इन दोनों को इकट्ठा वाई जेड माइनस एक्स जेड, मैंने पॉजिटिव पहले लिख ली नेगेटिव बाद में लिख ली। अब इन पहली ब्रैकेट में से दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन और दूसरी दोनों टर्म्स में से जेड कॉमन, कॉमन लेके लिख रहे हैं हम, पहली टर्म जो है जेड माइनस वाई वो सेम रहेगी, फर्स्ट ब्रैकेट में से एक्स कॉमन लेना था हमने, यहां से एक्स स्क्वायर में से एक्स चला गया, एक्स बचेगा माइनस वाई बचेगा, ठीक है, और इन दोनों में से देखिए बीच में प्लस साइन लगा लेते हैं, प्लस यहां से जेड कॉमन ले लिया, क्या बचेगा वाई माइनस एक्स, राइट। अब देखिए आप, ये एक्स माइनस वाई है, ये वाई माइनस एक्स है, तो मुझे तो सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, ये जो y माइनस एक्स है इसको भी x माइनस वाई कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो माइनस जेड जैसे ही बनेगा ये x माइनस वाई बन जाएगा। अब काम आसान हो गया, ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई कॉमन आ सकता है, तो ये बन गया जेड माइनस वाई देखिए, और इन दोनों ब्रैकेट्स में से ये x माइनस वाई कॉमन, क्या बचा यहां से x माइनस यहां से जेड, तो ये देखिए ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया, x माइनस वाई जेड माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं 4.4 एक्सरसाइज का, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सिर्फ उनके जो जनरल सिंबल हैं वो दे रखे हैं, जैसे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, और ये कहा गया है कि अगर कैपिटल ए से हम इसके कोफैक्टर्स को डिनोट कर लें, ए आई जे, आई जे के लिए, आई जो होता है वो रो के लिए होता है, जे कॉलम का सफिक्स होता है, वो इनके कोफैक्टर हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए हमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब हमें इनमें से देख के पता लगाना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बिना एक्सपेंड किए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए ये हम यूज कर सकते हैं, वो क्या है, ए डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट, उस एलिमेंट का, कोई भी हो सकता है वो एलिमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर रो का हो सकता है या पर्टिकुलर एक कॉलम का हो सकता है, कोई भी एक लाइन चूज कर लें आप, या रो चूज कर लें आप कॉलम, उस एलिमेंट को, उस रो के या उस कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर मैं उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम यानी तीनों को प्लस कर दिया जाए तो आंसर आ जाता है। तो यहां से देखिए आप चारों ऑप्शन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखिए ये मेरा डी ऑप्शन में ए वन वन ये क्या है फर्स्ट एलिमेंट और कैपिटल ए से इसका कोफैक्टर ए वन वन, फिर ए टू वन दूसरा एलिमेंट और कैपिटल ए टू वन इसका कोफैक्टर, ए थ्री वन तीसरा एलिमेंट और कैपिटल ए थ्री वन इसका कोफैक्टर, यानी किसी भी एक रो के ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन ले लिया हमने, इसके कोफैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना, हर एक एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर प्लस कर दिया जाए सम तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, हमने यहां लिख भी दी है और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने बता दिया कि राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये थी एक्सरसाइज 4.4 डिटरमिनेंट चैप्टर की जो कि आज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद हम 4.5 स्टार्ट करेंगे जो कि एडजॉइंट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वेदी गुरुज चैनल फ्रॉम यूट्यूब ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। इन वीडियोस को हमारी आपसे रिक्वेस्ट है क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो, और वही बात लास्ट में हम फिर से रिपीट करते हैं, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, स्टे होम स्टे सेफ, जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।